अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमनास रिएक्शन। सितारा का मैंने व्लॉग देखा, माशाल्लाह से बहुत रिफ़्रेशिंग। और जो ड्रेस है ना येलो कलर का, उससे और ज़्यादा ठंडक का एहसास और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह सितारा आप लगी मुझे। और साथ ही साथ मैं इस व्लॉग में कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं उस पर बात करूँगी। साथ ही साथ कुछ आपको सजेशन देने की कोशिश करूँगी, कुछ आपके व्यूअर हैं जो वो सजेशन देते हैं वो आपके साथ यहाँ प्लेस करूँगी, ताकि जो ये आपका ट्रिप है ये और अच्छे से अच्छा हो सके। और हो सकता है किसी का कोई एक मशवरा, कोई सजेशन जो है आपके लिए बहुत एक गुड लक लेकर आए। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू सितारा के व्लॉग पर। तो सितारा ने आज शुग्रा में अपना जो सेकंड व्लॉग है वो शूट किया। व्लॉग स्टार्ट होता है और व्लॉग में सितारा ने नाश्ता और फिर जो ज्वेलरी वगैरह है वो रील्स बनाने के लिए निकाली। और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी सितारा आपके व्लॉग की जो लग रही है वो ये है कि तैयबा और आपकी एक बॉन्डिंग दिख रही है। जो लोग कहते थे ना कि तैयबा बहुत ज़्यादा हेसिटेट करती है, सितारा से बहुत दूर दूर रहती है, तो वो चीज़ मेरे ख्याल में अब जो लोगों का एक शुबा था, लोगों का एक डाउट था, वो जाके कहीं हटा होगा या कहीं ना कहीं उसमें कमी आई होगी कि तैयबा भी बहुत खुल के बात करती है। और बच्चे हमेशा एक से नहीं रहते, उनमें वक्त के साथ साथ बदलाव आता रहता है। और अच्छी बात है कि आप तैयबा के साथ इतना इंगेज हो रही हैं, उसको अपने साथ रख रही हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, क्योंकि जितना इस टाइम उसे ज़रूरत है और आपकी, तो शायद ये जो टाइम है फिर लौट के नहीं आता। और मुस्तफ़ा तो माशाल्लाह है ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और बहुत ज़्यादा ओपन है, एक्सप्रेसिव है और इजहार करता है अपनी बातों का, अपनी खुशियों का। तो आपके बच्चे भी माशाल्लाह ब्लेस्ड, आप भी ब्लेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर एक रिव्यू। यहाँ पर आपकी एक व्यूअर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सितारा के लिए बेटर है कि वो जिस जिस भी रिजॉर्ट जाती है या किसी जगह शॉपिंग पे जाती है किसी सिटी में, जैसे अभी आप ट्रैवल पर हो, आपका ये ट्रैवल व्लॉग है, तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बता के, यानी आप एक पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी इतनी ऑडियंस है, अगर इसको आप इसकी मार्केटिंग करें, मतलब इसको यूज़ करें, तो आपको जहाँ ना सिर्फ कंसेशन मिलेगा बल्कि आपके व्लॉग्स को भी प्रमोशन मिलेगा। और एक जो म्यूचुअल सिलसिला है ना, यानी व्लॉगिंग का, और तो इस तरह से आपकी जो व्लॉगिंग है उसको भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और एक अच्छा आपको यहाँ मार्जिन मिलेगा मार्केटिंग का भी। तो ये एक व्लॉगर के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके चाहने वालों में से एक आईडी है जो मुझे अक्सर कमेंट करती हैं, तो ये उनका यहाँ पर एक सजेशन था जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ सितारा, कि आप कुदरती मनाजिर भी दिखा रहे हैं, आप अम्मी और चाचू को भी दिखा रहे हैं, मतलब एक जो नॉर्मल सी रूटीन होती है ना वो भी दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी, जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब आपको वहाँ के लोग, वहाँ के मकामी लोगों से मिलना, उनसे वहाँ के बारे में पूछना, वहाँ का क्या कल्चर है इसको एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें जब आप अपने व्लॉग में ऐड करते हैं तो आपका व्लॉग मज़ीद निखर के सामने आता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, जिस भी जगह आपने स्टे किया है वहाँ का फूड जो है उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ के खाने क्या क्या हैं, वहाँ पर क्या क्या मिलता है, उस वक्त ही नहीं कि जब आप खाने बैठ रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, नो, बल्कि आप मुख्तलिफ वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, जो भी कुछ हैं, कदम कदम पर, जिस तरह आपने बताया वहाँ तकरीबन 40 रिजॉर्ट्स हैं, जाहिर बात है इतने सैयाह आते हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं तो ये तो होंगे। और आपने अच्छा एक वीडियो बनाया था जहाँ आपने रेंट वगैरह इसकी डिटेल दी थी, और ये ज़रूरी है क्योंकि जब आप ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि लोग कितना खूबसूरती को देखेंगे, मनाजिर को देखेंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेटिव भी हो और रिलेटेड हो चीज़ों के साथ। जैसे मैंने कहा, वहाँ के मकामी लोगों से मिलिए, वहाँ के जो बाज़ार हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ दिखाइए क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, वहाँ पर ऐसी कौन सी पर्टिकुलर उनकी सकाफ़त है जो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें इसको कवर कीजिए।
और फूड को मैंने कहा ये कवर कीजिए, तो इंशाल्लाह व्लॉग और खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनेगा। और एक और चीज़ बोलूँगी कि मुझे यहाँ पर जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है ना इस वीडियो में, सबसे अच्छी वो लगी है तैयबा, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो खुलकर आपके साथ अपनी राय दे रही है। मम्मा ये वाली जो ज्वेलरी है ये पहने मम्मा, इसके साथ ये अच्छा लगेगा, तो मुझे ये सब कुछ बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है और अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रही थी, हाँ कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके देखने वाले हैं, वो चाहते हैं कि ये जो आपके व्लॉग्स हैं, ट्रैवल व्लॉग्स, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल हो कि देखने वालों को भी मज़ा आए। और इसके लिए बेटर ये है कि आप सिर्फ लोकेशंस मत दिखाएं, बल्कि जिस तरह मैंने कहा ना कि आप वहाँ के बाज़ार, वहाँ के मकामी लोगों से मिलें, ये सारी चीज़ें करें। बच्चों से आपने बात की जो एक और फैमिली टूर के लिए आई हुई थी, और उनके साथ एक आपने हल्का फुल्का मजाक किया कि नहीं मैं तो इंडिया से हूँ, अगर आप लोग पाकिस्तान से हो, तो बच्चों के साथ एक छोटा मोटा सा फन टाइम, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे थे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा उनमें हेसिटेशन हो या झिझक हो, बड़ा ओपनली वो आपके साथ बात कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आपको अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आपको मुनासिब लगता है, तो उसमें से जिस चीज़ को आप कर सकती हैं अपने व्लॉग में, अपने तरीके से, अपनी इंटेलिजेंस के साथ यूज़ करते हुए, तो उसे करिए। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, गुड लक, इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।